वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ और मेरा नाम अमित कुमार और आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। गोवा में लोग कहते हैं कि सर मुझे सस्ता रूम चाहिए, तो आज की वीडियो मैं आपको बता दूँ जिस रूम में मैं रह रहा हूँ। देख लो ये बेड दो लोगों के लिए और इधर देख लो एसी भी है और साइड में देख लो यहाँ पर आपको एक छोटा सा फ्रिज भी मिलता है जहाँ से बाहर से कुछ भी खरीद कर आप यहाँ पर चिल्ड करने के लिए रख सकते हो। और साइड में इधर देखो टीवी भी है, बैठने के लिए आपको सोफा भी है और साइड में आप अपने लाइट भी रख सकते हो, एक चेयर भी है। बाहर लेकर चलने वाले हैं और मैं बताने वाला हूँ 1500 रुपया में दो लोग, मतलब एक लोगों के लिए मात्र 750 रुपया आपको पे करना है इस रूम के लिए। मैं बता दूंगा होटल कौन सा है, क्या नाम है, आप जाकर ऑनलाइन बुक करा सकते हो। साइड में ऊपर देख लो फैन भी है, तो चलो चलते हैं बाहर और दिखलाते हैं कि बाहर में क्या है। तो आप इधर देख लो साइड में, इधर बैठने के लिए बहुत कुछ कॉटेज जैसा बना हुआ है, बिला जैसा है, चेयर है, बहुत सारा स्पेस है इधर। तो चलो आगे और चलते हैं और देखते हैं इधर साइड में। होटल का नाम लिखा हुआ है और ये होटल कांडोलिम बीच से बहुत पास में है। नेक्स्ट वीडियो में और आपको कुछ जगह पर लेकर चलने वाला हूँ जहाँ पर गोवा में आपको सस्ता में रूम मिल जाएगा, इससे भी सस्ता। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कहाँ पर सस्ता रूम है। नाम है डाउन द विलेज, जो कांडोलिम से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत पास में भी आप वॉक करके भी आ सकते हो। पास साइड में ही आपको रेंटल पर बाइक भी यहाँ पर मिल जाता है। बाहर जब निकलते हो अपने रूम से तो इस तरह का स्पेस मिलता है, पार्किंग एरिया है और उधर साइड में देख लो अच्छा खासा दिखता है। चलो आपको ले चलता हूँ रिसेप्शन के तरफ और थक गया हूँ ड्राइव करके यहाँ पर सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं बता दूँ गोवा में भी सस्ते में रूम मिल जाते हैं 2000 के अंदर दो लोगों के लिए, मगर जिस रूम में मैं अभी हूँ मात्र पे कर रहा हूँ 1500 रुपीज़। चलो आगे चलते दिखलाता हूँ कौन सा होटल है, क्या नाम है, रिसेप्शन की तरह सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। द विलेज पूरा एड्रेस लिखा हुआ बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जाकर आप वहाँ पर ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो आगे चलते लेकर चलता हूँ आपको स्विमिंग पूल की तरफ, जो अभी पूल बंद है, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ और मुझे भी करने के उतना कोई शौक नहीं था, क्योंकि जब मैं अभी गोवा में कांडोलिम के पास में हूँ तो मैं जाऊँगा सी में, यार सी में जाके मस्ती करूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, कांडोलिम बीच से सटा हुआ बहुत सारे आपको रिजॉर्ट मिल जाते हैं जो दो लोगों के लिए 1000 में रूम अच्छी तरह से आपको अच्छा रूम मिल जाएगा पूल के साथ। बस आपको जाकर चेक करना है ऑनलाइन और आप बुक कर लो, अदरवाइज गोवा में आकर भी आप रूम ले सकते हो, मगर एक बार थोड़ा रिस्की हो जाता है जब आप आके गोवा में रूम लेते हो। तो कोशिश करना गोवा जब भी आना तो पहले आप रूम बुक करा लेना, उसके बाद ही गोवा आना, उसके बाद दूसरा रूम आप चेंज करना, आपको सस्ते में रूम मिल जाता है। ऐसे अपने चैनल पर आपको लेकर चलने वाला हूँ कहाँ कहाँ पर सस्ता में रूम मिलता है, और सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। ऐसे ही जैसा मैंने आपको दिखाया इस तरह का ही दिखता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो बीच के पास। और इसी तरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे साइड में लॉज, होटल छोटे छोटे जहाँ पर आप जाकर बिता सकते हो एक स्मॉल बजट में। तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए था कि गोवा में आप कैसे रूम लोगे सस्ता। तो याद रखना 2 मंथ पहले आप बुक करा लेना, आपको मिल जाएगा, और नहीं तो 1 दिन के लिए आप बुक करा कर आना, और आने के बाद यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो रूम, सस्ते में रूम मिल जाते हैं, मगर ढूंढना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में आपको हमेशा आपको ज़्यादा प्राइस दिखता है, लाइक 4000 5000, ऐसा कुछ नहीं है। गोवा में आओ, 1 दिन के लिए रूम लो, उसके बाद अगल बगल आप जाकर ढूंढ लो, जाकर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, तो आपको सस्ते में रूम मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग जो रूम लिए हुए हैं उस रूम को मात्र पे कर रहे हैं 1500 रुपीज डाउन द विलेज। अभी आपको लेकर चलने वाला हूँ कांडोलिम बीच की तरफ, यही रोड जाएगा और साइड में ही वहाँ पर आपको रेंटल पर बाइक भी मिल जाता है। तो यार और क्या चाहिए गोवा में, रेंटल पर बाइक, रूम अच्छा, एसी, फ्रिज, सब चीज़ है। तो वैसा ही रूम लो गोवा में आकर और बिताओ 5 से 6 दिन, पूरा गोवा घूम कर जाओ। अगर नहीं जाते तो फिर मैं तो हूँ, तो यहाँ हूँ जो आपको सारा हर जगह लेकर चलूँगा, पूरा फुल मस्ती दोनों मिलकर करेंगे। चलो चलते हैं फिर रूम में, कुछ करते हैं, बताते हैं, देखते हैं दिखता कैसा। तो रियली बहुत अच्छा रूम है यार, रियली अच्छा है, एसी भी अच्छा खासा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप अमाउंट लेस पे कर रहे हो तो आपको एसी भी काम कर रहा है। तो इस तरह वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, जाकर मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि दिखता गोवा कैसा है, कैसे आप स्टे करोगे, सब चीज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड कोई गोवा में आ रहे हैं और उनको गोवा के बारे में कुछ जाना, तो हमारे चैनल के बारे में उनको जरूर बता देना। मस्त लाइफ, मेरा नाम अमित कुमार, और मुझे फॉलो भी आप कर सकते हो इंस्टा पर, मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, वहाँ पर चलकर मैं आपसे बात कर लूँगा। अच्छा खासा चेयर यार। तो अगर आप गोवा में आते हो, अगर इस तरह का अगर रूम मिलता है आपको यार, तो रियली आपको कैसा लगेगा बिलो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बता देना। सेट हो रहा है और अच्छा लग रहा है यार, और आज यहीं पर पूरा फुल मस्ती करने वाले हैं। और मैं बता दूं मैं गोवा में ही रहता हूं, मगर सिर्फ आपके लिए
आज मैं यहाँ पर रूम लिया ताकि मैं आपको बता सकूँ, दिखा सकूँ दिखता कैसा है 1500 का रूम, जिसमें दो लोग अच्छी तरह से स्टे कर सकते हो और जगह भी अच्छा है, शांति है, आप यहाँ से बीच पे जा सकते हो, बीच से यहाँ पर वॉक करके भी आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे कांडोलिम बागा अंजुना के पास में मिल जाएंगे आपको छोटे छोटे रिजॉर्ट जहाँ पर आप अच्छी तरह से अपना समय बिता सकते हो फ्रेंड फैमिली और जिसके साथ आपको आना है आ जाओ, आकर पूरा फुल मस्ती करो। और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, फुल इन्फॉर्मेशन। और जब भी अगर आप रूम बुक करना, आप सोचना कितने दिन के लिए आप आ रहे हो, ऐसा जगह पर रूम अपना बुक करना जहाँ से आपका बीच नज़दीक हो, क्लब नज़दीक हो। अगर साउथ में रहना है तो साउथ साइड में ले लो। अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टा पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। चलो आप मुझे बताना कि आपको रूम कैसा लगा। मुझे तो रूम कंफर्टेबल लगा और साथ में जो सुविधा चाहिए एक टूरिस्ट को गोवा में आकर, वो सब चीज़ यहाँ पर मिल जाता है आपको। बाहर बैठने के लिए जगह है, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह है, कांडोलिम बीच से नज़दीक में बहुत, ऐसे बहुत सारे रूम आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन जाकर सर्च करना, नहीं तो फिर तो मैं हूँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मस्त लाइफ, अमित कुमार। बहुत ठंडा है, चिल्ड है, वाटरमेलन बहुत टेस्टी है। ये अपन ने रस्ते से खरीदा था, वो बाजू में जब आपने कंदली मारा था, बहुत सस्ता था लेकिन बहुत मीठा। फिर बात लेकर चलने वाले हैं बीच पर और चलकर उधर भी मस्ती करेंगे। अगर आप गोवा में हो, अगर रूम मिल गया है नाइट में सोने के लिए, तो क्या करना है, पूरे नाइट बाहर ही रहेंगे। और नेक्स्ट और एक प्लान बन रहा है कल के लिए, अगर उस होटल में जाते तो उस होटल के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल दे दूंगा। मैं सोचता हूँ जो लोग गोवा आ रहे हैं, गोवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ वाटर मिलन खाने में, क्योंकि थोड़ा भूख तो लग ही गया, क्योंकि धूप बहुत था यार, बहुत ज़्यादा धूप था, तो मैं भी थोड़ा मज़ा ले रहा हूँ। और मैं बता दूँ, अगर गोवा में आ रहे हो तो कोशिश करना सॉफ्ट ड्रिंक ना ही पीना, क्योंकि ऊपर का जो धूप है ना यार, बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकता। तो आप वाटरमेलन का मज़ा लेना, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड टेक केयर, क्योंकि अब समय हो रहा है हम लोग कहीं बाहर जाने के लिए। तो मैं अभी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, थोड़ा मज़ा और मस्ती करेंगे, उसके बाद एक वीडियो मैं नेक्स्ट फिर आपको देने वाला हूँ कांडोली बीच का।